Hello everyone, today we are gonna discuss about tire construction. So how tires are made and what are the terminology in tire. So kaun kaun se terms hai jo hame janne hai, we will gonna discuss about that. So first of all aapko diagram dikh raha hoga, that is tire diagram, in which you can see over here this is a tread. Tread is the outermost part of the any tire, that is covering layer, and normally which is comes in a contact with road. तो हमारी जो road surface है उसके साथ जो contact में आता है tire का जो part, that is called tread, और which have a rubber compound material and having a function of it provide resistance from cut and provide traction. यानी हमारा road पे जो चिपक के कर चलने का जो काम है, tractive effort जो है वो हमारा tread decide करता है. तो उसी हिसाब से अलग अलग type के tread pattern रहते हैं which will provide cut resistance, यानी हमारा जो material rubber material है वो cut नहीं होगा, and provide longer serviceability, यानी लंबे समय तक चलेगा. That this is our tread, okay. और main जो उसका material रहता है वो है rubber compound, और जो function रहता है वो है provide tractive effort. एंड लॉन्गर सर्विसेबिलिटी, यानी लंबे समय तक चलेगा. सो ये हमारा है ट्रेड, जिसके अलग अलग पैटर्न्स आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओवर हियर यू कैन सी ब्रीकर. ब्रीकर इज इन बिटवीन ट्रेड एंड द कारकास. एज यू कैन सी दिस इज ब्लैक पार्ट इज कारकास, और ट्रेड जो ट्रेड और कारकास के बीच में ब्रीकर रहता है. ब्रीकर हैज it is a layer which is made up of rubber coated plies of steel, यानी आपके steel के coat रहते हैं जिसको rubber के साथ bind किया जाता है, और इससे हमारा breaker बनता है. तो breaker का जो main function रहता है to protect the carcass from being damaged, यानी हमारा जो carcass है वो carcass को हमें damage होने से ब्रीकर बचाएगा. तो ब्रीकर इज प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ टू, हमारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और एक और काम रहेगा वो है प्रोवाइड शॉक एब्जॉर्बिंग फैसिलिटी, यानी हमें शॉक एब्जॉर्ब करने से भी बचाएगा और कारकस को भी प्रोटेक्ट करेगा. ये हमारा ब्रीकर है सेकंड नंबर. नाउ नेक्स्ट इज कारकस. यहाँ पे दिख रहा है कारकस जो पूरे लेयर पे स्टार्ट होता है, इनर ट्यूब के बाहर रहता है. इट इज रबर कोटेड प्लाइस, ठीक है. ये हम वापस जब देखेंगे बाइस प्लाइस एंड रेडियल प्लाई टायर में, तब हमें पता चलेगा कारकेस क्या होता है. कारकेस जो होता है वो रबर का बना हुआ एक बेल्ट होता है, और उसके ऊपर प्लाइज रहते हैं. सो इट विल प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ टू द टायर, यानी हमारी जो स्ट्रेंथ है जो है मेन प्रोवाइड करती है कारकेस, जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी. और एक और काम रहेगा टू प्रोटेक्ट रिम टू डैमेज, यानी हमारी रिम पे जो भी लोड जाएगा इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम दैट डैमेज. यानी जब भी शॉक लगेगा तो हमारा जो शॉक रहता है वो नॉर्मली ब्रीकर पे आएगा, और ब्रीकर के बाद वाला जो भी शॉक रहेगा डेट विल एब्जॉर्ब बाय द कारकेस. तो कारकेस हमारा रहेगा. और ट्रेड पैटर्न जो है वो प्राइमरली टू प्रोवाइड अ फ्लेक्सिंग इफेक्ट, हमारी जो फ्लेक्सिंग इफेक्ट है टायर की, और जब भी रोड सर्विस के साथ टच में आएगा तो कट ना हो जाए, तो इट विल प्रोवाइड कट रेजिस्टिविटी एज वेल एज प्रोवाइड ट्रैक्टिव एफर्ट. और हमारा कारकेस जो है डेट इज प्रोटेक्ट द रिम फ्रॉम डैमेज, और हमारा ब्रीकर जो है वो इन दोनों के बीच में है, ट्रेड एंड कारकेस के बीच में. सो इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्ट द कारकेस फ्रॉम बीइंग डैमेज, तो उससे डैमेज नहीं होने देगा, ठीक है. तो दिस इज आर कारकेस. देन दिस इज अ साइड वॉल. साइड वॉल इज अ पार्ट ऑफ आर टायर, वो जो साइड में हमारी वॉल रहती है. सो इट इज मेड अप ऑफ रबर, और रबर के बहुत सारे लेयर होते हैं बेसिकली, एंड इट प्रोवाइड फ्लेक्सिंग इफेक्ट, यानी जब भी हमारी
गाड़ी चलेगी तो व्हेन देयर विल बी बम्प और अनइवन रोड, सो इट विल टेक द लोड एंड ट्रांसफर इट टू द इट विल काउंटर बैलेंस द लोड, यानी ये लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और जो भी लोड आएगा ट्रेड के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और रिम तक नहीं जाएगा. सो दैट इज़ द मेन थिंग इन साइड वॉल. सो इट इज़ मेड ऑफ रबर एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिंग इफेक्ट, सो वो एडजस्ट करेगा और हमारा लोड है वो ट्रांसफर करेगा. दैट इज़ आर साइड वॉल. देन ओवर हियर यू कैन सी द रिम. जो रिम होती है हमारी इन अंदर की जो पार्ट होती है, जिस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हील जिसके ऊपर हमारा टायर माउंट होता है. सो दिस इज रिम एंड यू कैन सी ओवर हियर दिस इज बीड, दैट इज़ अ स्टील वायर. आपने शायद टायर के अंदर देखा होगा, इट इज़ इन द आउटर पार्ट विच इज़ कवर्ड बाई द कारकेस. सो बीड का जो काम होता है टू प्रोटेक्ट द रिम एज वेल एज, तो हमारी प्रोटेक्ट करेगी रिम को एज वेल एज वो हम एक टेंसाइल लेयर प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर हमारा टायर माउंट होगा. यानी इट इज़ द बॉटम ऑफ द पार्ट और वो हमारी स्ट्रेंथ यानी एक्सियल लोड जो भी आएगा वो भी सपोर्ट करेगा और हमारा मेन यूनिट जो है उसको भी बाइंड करेगा. तो डैट इज़ आर बीट. ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग अलग पांच कंपोनेंट देखे हैं. फर्स्ट इज ट्रेड जो हमारा रबर का बना हुआ होता है रबर कंपाउंड से, और वो कवरिंग यानी आउटर मोस्ट लेयर पे होता है और कवरिंग लेयर होता है जो रोड के सरफेस में आता है. साइड वॉल जो होता है वो जो भी लोड आएगा टायर से तो ट्रेड से वो उसको काउंटर बैलेंस करेगा, उसके ऊपर ले लेगा और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिससे हमारा जो मेन इम्पैक्ट या शॉक लोड है वो रिम पे ना जाए. तो इट इज़ प्रोटेक्टिंग द रिम टू. और ये साइड वॉल है और यहाँ पे आप देख रहे हो इनर ट्यूब और लाइनर. तो अगर आपका ट्यूबलेस टायर है तो उसके अंदर आपको आएगा लाइनर, और आपका अगर ट्यूब वाला टायर है तो उसके अंदर इनर ट्यूब आएगा जिसके अंदर हम एयर फिल करते हैं. सो दिस इज इनर ट्यूब विच इज फिल्ड बाय एयर, और इन ट्यूबलेस टायर वी आर यूजिंग लाइनर्स. सो दिस इज द मोस्ट इनर पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द रिम, जो अंदर का पार्ट है तो वेट विच इज ऑल्सो मेड ऑफ रबर. और का ब्रिकर के अंदर नाइलॉन्स के प्लाइज भी रहते हैं, इसके अलावा पोलिएस्टर रहता है, कैपलर रहता है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारे कारकास को. तो ये हमारा टायर कंस्ट्रक्शन है एज यू कैन सी. सो थैंक यू.